ओके तो हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्वेस्टमेंट और उसकी मार्केट वैल्यू। ओके पहले हम इसकी रेशियो की बात करते हैं। जो इसकी रेशियो गिवन है ए इज़ टू बी 1/3 एंड 1/2 एंड 1/8 इज़ क्रेडिट टू द जनरल रिजर्व। 1/8 इज़ क्रेडिट टू द जनरल रिजर्व, इट मीन्स ये पैसा जो टोटल होता है उसमें से 1/8 जनरल रिजर्व में जाता है, 1/8 कोई पार्टनर तो है नहीं। तो ए और बी की रेशियो है क्या 1/3:1/2। इनके डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर दें 6, तो ऊपर पहला वाला मल्टीप्लाई होगा 2/6 और फिर आता है 3/6, तो इनकी रेशियो क्या हुई 3:2। ओके अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट और नया चीज़ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है, उसकी बुक्स में वैल्यू कितनी है 4000 और मार्केट वैल्यू कितनी है 3200। अब कई लोग बोलेंगे कि 800 का लॉस हुआ है और जो रिवैल्यूएशन में आएगा, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ दी हुई है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी लॉस होता है फ्लक्चुएशन की वजह से इन्वेस्टमेंट में, तो वो कहाँ पर डाला जाएगा, आपका। अब जैसे हमें इसमें 800 का लॉस है, 800 रुपीज़ हम कहाँ से निकालेंगे, इस 6000 से। ओके इट मीन्स 800 रुपीज़ अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। अब बचे जो 6000 में से 8000 माइनस करके कितने बचे 5200। 5200 बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में। क्यों बांट दिया जाएगा, इसलिए बांट दिया जाएगा क्योंकि ये पैसा नए पार्टनर्स को तो नहीं दे सकते, ये रिजर्व्स हमने अपने लिए रखा था। ओके अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर सेकंड पर। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 500, इट मीन्स किसी मजदूर ने या किसी वर्कर ने हमसे 500 का क्लेम कराया। अब जब उन्होंने हमसे 500 का क्लेम कराया तो हमारे पास टोटल रिजर्व कितना था कंपनसेशन का 3000। 3000 में से 500 हम उनको पे कर देंगे जो लायबिलिटी साइड में क्लेम के तरह रहेगा, और बाकी जो 2500 है वो 2500 हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट देंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कभी नहीं बांट सकते, ये एम्प्लॉयज़ का था, ये हमें एम्प्लॉयज़ को देना है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 10% से डिक्रीज़ हो गया, 10% से डिक्रीज़ मतलब पहले था 2000 और अब आपकी लायबिलिटीज़ 200 से डिक्रीज़ हो रही है, तो आपको प्रॉफिट है और लायबिलिटी साइड रह जाएगा 1800। ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। अब आपको प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है मतलब आपको 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और डेटर्स आपके बैलेंस शीट में देखेंगे 2000। आइए इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। अब हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट का प्रॉफिट, रिवैल्यू प्रोविज़न का प्रॉफिट, ये आता है आपका 800, 8 को बांट कर आपने इस रेशियो में, और 6000 वो कैश लेके आए, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन ये कितना बटा है 2500 रुपये, 2500 रुपये कैसे 3000 में से 500 माइनस कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6000 में से माइनस कर दिया था आपने कितना 800 का लॉस, ये रिवैल्यूएशन का है आपका प्रॉफिट और ये आपके आगे सीरीज। ओके अब आते हैं इसकी बैलेंस शीट पर। ये रही इसकी बैलेंस शीट, ये कैपिटल्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिक्रीज होकर कितना बचा, ये वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अभी 500 रुपये देने हैं किसी को, आपका कैश पुरानी बैलेंस शीट का 6000 वो लेके आए और 2000 गुडविल का, और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 4000 में से कितनी बच गई थी 800 माइनस करके, ये बैलेंस शीट टैली।